सब्सक्राइब करें अगरबत्ती की सारी जानकारी लेने के लिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप कोई वीडियो मिस ना कर पाएं। हेलो गाइस, आप सभी का हमारे ऑल अबाउट अगरबत्ती यूट्यूब चैनल स्वागत है। तो फ्रेंड, जैसे कि आप सभी को पता है कि हम लोग इस चैनल पर अगरबत्ती से वीडियो डालते रहते हैं, तो वैसे आज का जो हमारा टॉपिक है वो धूप मेकिंग बिजनेस के बारे में, जो इस तरह की आपको मार्केट में धूप आपको मिलती है इस बिजनेस के बारे में कि कैसे आप धूप मेकिंग बिजनेस कर सकते हैं, इसमें किस किस चीज़ों की आपको रॉ मटेरियल लगने वाली है और ये सारी रॉ मटेरियल आपको कहाँ से मिलेगी, ये सारी चीज़ आपको इसी वीडियो में बताएंगे। और इसमें आपको प्रॉफिट कितना होगा और इस बिजनेस को करने के लिए आपको कॉस्ट कितनी लगी है। मान लीजिए एक बंडल आप जो तैयार करते हैं, जो 12 का जो बंडल होता है उसको तैयार करने में कितना कॉस्ट लगेगा और उस बंडल में आपको प्रॉफिट कितना होगा, ये सारी चीज़ आपको इसी वीडियो में आपको बताऊंगा। मार्केट में बहुत सारे लोग होते हैं जो बांस का यूज नहीं करना चाहते, अगरबत्ती का इस्तेमाल नहीं करते, तो धूप का जो अभी बहुत ज़्यादा डिमांड आपको मार्केट में भी हो रहा है, तो आप धूप मेकिंग बिजनेस आप कर सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी, अगरबत्ती से ज़्यादा प्रॉफिट आपको धूप मेकिंग बिजनेस में, और इसमें किस किस चीज़ों की आपको जरूरत पड़ने वाली है सारी चीज़ आपको इसी वीडियो में बताएंगे। तो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से निवेदन है, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि हम लोग ऐसे ही अगरबत्ती से रिलेटेड वीडियो डालते रहते हैं। तो फ्रेंड, वीडियो अगर पसंद है वीडियो को भी लाइक करना मत भूलिएगा। तो हमारे चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए बिना देरी के अपने वीडियो को लेकर चलते हैं। तो फ्रेंड, चलिए आप सभी को बताते हैं कि इसमें आपको रॉ मटेरियल आपको कौन कौन सी रॉ मटेरियल लगने वाली। तो सबसे पहले जो हमारी रॉ मटेरियल है वो आपको धूप स्टिक होती है। तो आपको फोटो के थ्रू आप सभी को पहले समझा, फोटो के थ्रू आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि आपको किस किस रॉ मटेरियल को पहले आपको आवश्यकता पड़ने। तो चलिए पहले आपको फोटो के थ्रू आप सभी को समझाते हैं कि कैसे आपको क्या क्या इसमें रॉ मटेरियल आपको लगने वाला है। तो फ्रेंड, जैसे कि आप सभी को स्क्रीन पे फोटो दिख रहा होगा, तो फोटो में आपको समझा, तो पहला जो हमारा रॉ मटेरियल लगने वाला होगा आपको धूप का जो बॉक्स, जो धूप की जो बॉक्स आती है, जो इस तरह की जो आउटर आती है उसका जो वो आपको लगने वाली पहली रॉ मटेरियल, तो आपको ये हो गया। और जो दूसरा हमारा रॉ मटेरियल वो आपको धूप स्टिक है, जो इस तरह की जो गीली धूप स्टिक है, आप देख सकते हैं ये जो धूप स्टिक आपको है, ये आपको 10 का स्टिक है, 30 ग्राम की 10 स्टिक होती है, या बटर पेपर के साथ विथ कटिंग आपको ये मिलती है, तो ये आपको मिलने वाली है। तो दूसरा रॉ मटेरियल हमारा धूप स्टिक हो गया, और तीसरा जो हमारा रॉ मटेरियल वो आपको धूप कटोरी है, क्योंकि धूप स्टिक में आप चाहो तो धूप कटोरी दे भी सकते हो और नहीं भी दे सकते, जरूरी नहीं है कि आपको ये देना ही है। ये आपको 30 बड़े वाले पैकेट में आपको धूप स्टिक वाली जो बर्नर होती है आपको डाली जाती है, तो आपको जरूरी नहीं है, आपको ये कटोरी आपको डालना जरूरी नहीं है। तो फ्रेंड, जैसे कि आप सभी को मैंने बताया कि तीन रॉ मटेरियल लगने वाले, तो इसका जो प्राइस है, ये प्राइस आपको क्या लगने वाला, तो ये आपको जो धूप स्टिक जो है इसका जो प्राइस आपको 95 रुपीज़ किलो है, ये आपको बहुत प्रीमियम क्वालिटी में जो मार्केट में आपको धूप स्टिक मिलती है उसमें आपको ज़्यादातर बुतने की शिकायत आती है, तो इस तरह की जो आपको धूप स्टिक होती है इसमें बुतने की शिकायत नहीं है, आपको 100% आपको जलेगी। एक सैंपल भी मैं आपको दिखा आपको लगा दूंगा कि आपको पूरा जलते हुए आपको सैंपल एक लगा दूंगा। और जो दूसरा हमारा ये आपको अगरबत्ती पैकेट है, तो ये आपको एक रुपये के आसपास का एक जो आपको ये पैकेट मिलने वाला है, जैसे रेट आपको सभी को दिख रहा होगा 1 रुपये का एक पैकेट आपको मिलने वाला है, उसी तरह 95 रुपये किलो आपको धूप स्टिक मिलता है। आपको जैसे मैंने बताया कि वीडियो का आपको सैंपल मैं आपको स्क्रीन पर लगा दूंगा, जो आप रिकॉर्डिंग करके आप सभी के लिए लगा दूंगा, पूरा जलते हुए आपको उसमें देख सकते हैं, तो उसका आपको गारंटी है कि आपको 100% वो जलेगी जलेगी। और ये धूप कटोरी आपको ऐसी आती है तो आपको ये डालना जरूरी नहीं है। तो चलिए दूसरा मैं आपको बताता हूँ कि इसमें आपको कॉस्ट कितना लगने वाला है, तो वो भी मैं आपको फोटो को तो समझाऊंगा कि कॉस्ट उसमें कितना लगने वाला है, एग्जैक्ट कॉस्ट आपको कितना लगेगा वो मैं आपको बताता हूँ। तो इसमें आप सभी को एग्जैक्ट जो कॉस्ट लगने वाली जो धूप स्टिक होती है, तो आपको धूप स्टिक जो होती है उसको पहले मैं आपको 1 ग्राम के हिसाब से निकाल लेता हूँ, उसी हिसाब से फिर आपको 30 ग्राम का निकाल कर बताऊँगा कि 30 ग्राम जो ये आपको 10 रुपये पैकेट में जो आपको डालना है, ये 30 ग्राम की है, उसका वो कॉस्ट क्या आएगा। तो जैसे कि धूप स्टिक जो मैं आप सभी देख सकते हैं 95 रुपये किलो है, उसको मैं 1000 से आपको भाग किया हूँ, तो वो लगभग आपको 0.095 पैसे के आसपास आया, मतलब कि 1 ग्राम का जो कीमत है वो आपको 0.095 पैसे के आसपास है। तो 10 स्टिक में आपको 30 ग्राम लगभग आपको 30 ग्राम के आसपास होती है, एग्जैक्ट 30 ग्राम की आपको ये एक बंडल होती है। तो इसका जो प्राइस आपको 0.095 मल्टीप्लाई आपको 30 ग्राम आप करोगे तो 2.85 रुपये के आसपास आएगा, मतलब कि ये जो आपको एक ये जो बंडल आपको 10 पीसेस का जो ये बंडल आपको है इसका आपको कॉस्ट 2.85 रुपये के आपको आसपास आपको आएगा। प्लस इसमें आपको एक आउटर की आपको ज़रूरत पड़ने वाली, जो इस तरह की जो बॉक्स होती है इसका 1 रुपये मैं जोड़ूंगा, और एक्स्ट्रा एक्सपेंस आप ले लो कि लेबर कॉस्ट होगी आपको, आप धूप ये आपको जो बर्नर डालने वाले हो, ये आपको जो बर्नर डालने उसका आपको उसी में आपको 20 पैसे के अंदर में आपको बर्नर हो गया, और आपका जो लेबर आप जो रखे हो उसका कॉस्ट 20 पैसे के आसपास मैं जोड़ लेता हूँ। तो टोटल इसमें जो कॉस्ट आपको जो लगने वाला है एक बॉक्स रेडी करने में, जो इस तरह की जो बॉक्स आपको आती है इस बॉक्स को रेडी करने में कितना कॉस्ट लगेगा, तो 2.85 रुपये आपको इसका हो गया, और 1 रुपये आपको बॉक्स का हो गया जो खाली बॉक्स हो गया, और 0.20 मतलब 20 पैसे के आसपास आपको इसका हो गया और लेबर कॉस्ट का हो गया, तो टोटल आपको 4.05 रुपये, मतलब कि 4.05 रुपये में जो इस तरह की जो बॉक्स होती है आपको एक बॉक्स में आपको लाइव रेडी करके दिखाता हूँ कि कैसे आपको बॉक्स रेडी करना है। तो मान लो कि ये आपको 10 स्टिक की आप 10 रुपये वाला जो बॉक्स है इसमें आपको डालना है,
चाहो तो आप ये डाल भी सकते हो जो बर्नर आपको है, और नहीं भी डाल सकते हो। तो ये मैं ये डाल लेता हूँ और इसको आपको टेप के थ्रू आपको सील कर लेना, दोनों साइड से सील करना है ताकि धूप बाहर नहीं निकले। तो ये रेडी हो गया। जैसे कि आपको ये रेडी हो गया तो इसका जो कॉस्ट आपको आने वाला है ये 4-5 पैसे के आसपास आपको इसका कॉस्ट आपको आने वाला है। और 12 बॉक्स जो आप 12 बॉक्स का जो आउटर आप बनाओगे, एक 12 पीस का एक जो बंडल बनाने वाले हो, एक डजन बनाने वाले हो, उसका कॉस्ट आपको क्या आएगा वो मैं आपको बताता हूँ। तो 12 बॉक्स का कॉस्ट आपको 4-5 पैसे का एक आपको आ रहा है, तो 12 को आप उससे मल्टीप्लाई करोगे तो लगभग आपको 48-60 रुपये के आसपास आपको एक बंडल आपको रेडी हो, जो 12 पीस का जो बंडल होगा वो आपको रेडी होगा। और मैं आपको इसके बाद मैं आपको सभी को बताऊंगा कि इसमें प्रॉफिट कितना होना। इसमें प्रॉफिट आपको 50% से एक्स्ट्रा प्रॉफिट इसमें होता है, आपको लगभग 60+ आपको प्रॉफिट होता है, 60% प्लस प्रॉफिट होता है। तो चलिए प्रॉफिट आप सभी को बताते हैं। तो एक बंडल का जैसे मैंने आप सभी को बताया कॉस्ट लगभग आपको 48-60 रुपये के आसपास एक बंडल का आपको कॉस्ट आने वाला है, जो 12 पीसेस का जो बंडल होता है उसका कॉस्ट आपको 48-60 रुपये आएगा। और इसका जो मार्केट में सेलिंग प्राइस है, इसका मार्केट में सेलिंग प्राइस लगभग आपको 90 रुपये बंडल तक है, मतलब कि 80 रुपये बंडल से लेकर 90-95 तक बंडल है। ये आपको क्वालिटी और आपके मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है आप किस मार्केट से हो। तो अलग अलग मार्केट में हर चीज़ का रेट अलग अलग है। मान लो कि अगरबत्ती होती है जो है उसका भी आपको अलग मार्केट होता है, बॉक्स का भी अलग मार्केट होता है, अलग अलग शहर का अलग अलग मार्केट होता है, अलग अलग रेट रहता है। वो कंपटीशन के हिसाब से डिपेंड करता है कि आप किस मार्केट में रहो, उसी हिसाब से प्राइस आपको अप डाउन मार्केट में होता रहता है। तो मैं इसमें 80 रुपये बंडल लेके चलता हूँ कि 80 रुपये बंडल में मुझे कितना प्रॉफिट होने वाला है। अगर आपको 90 रुपये मिला तो आपको और ज़्यादा प्रॉफिट आपको बढ़ जाएगी। तो प्रॉफिट इन वन बॉक्स, मतलब कि एक बॉक्स जो आपको 12 का जो बंडल आपका रेडी होगा उसमें आपको प्रॉफिट कितना होने वाला है। तो 80 रुपये आप मार्केट में सेल करोगे उसमें आपको कॉस्ट कितना लगा, 48-60 रुपये सिर्फ आपको उसमें कॉस्ट लगा है, तो लगभग उसमें प्रॉफिट आपको 31-40 रुपये के आसपास आपको उसमें आपको प्रॉफिट हो रहा। मतलब एक बंडल जो आपको 48-60 रुपये जो आपको रेडी हुआ है उसमें आपको 31-40 रुपये आपको उसमें प्रॉफिट हुआ है। तो इन परसेंट, मतलब परसेंट में हम लोग अगर प्रॉफिट देखें तो लगभग आपको 64.6% के आसपास आता है। वो मैं आपको भी मुझे याद नहीं, उसने मैंने निकाला था, उसमें मैं लगभग आपको 64% ही प्रॉफिट लिया। तो 64% आपको, आप सभी को इस बिजनेस आपको प्रॉफिट होने वाला है। तो इस बिजनेस आप देख सकते हैं कि कोई बड़ा आपको पूंजी भी नहीं फंसाना, 20-25 हज़ार में बहुत अच्छे पैमाने से आप इसमें स्टार्ट कर सकते हो। इसमें अलग अलग फ्लेवर भी आपको मिल जाएगी, चंदन, गुलाब, मोगरा, रजनीगंधा, डेनिम, ये सभी फ्लेवर आप सभी को मिल जाएगी। अब आप सभी का ये आपको प्रश्न होगा कि ये सभी रॉ मटेरियल हम कहाँ से परचेज कर सकते हैं। तो ये सभी रॉ मटेरियल आपको हमारे पास से ही मिल जाएगी, और डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर आप जाकर डायरेक्ट मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। तो व्हाट्सअप आप करते समय एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि आपको अपना नाम भेजना है, और जिस शहर से आप रह रहे हैं उसका आपको पूरा एड्रेस आप सभी को भेजना है। जैसे मान लो कि आप MP से हो, महाराष्ट्र से हो, पुणे, कहीं किसी भी शहर से आप हो या फिर किसी भी आपको स्टेट से, तो सभी चीज़ आपको डिटेल में आपको लिखना है, विथ पिन कोड आपको भेजना है। तो मैं आप सभी को, हमारी जो टीम है उसी हिसाब से आप सभी को कांटेक्ट करेंगे। जो हमारे जो ब्रांच आपको जिधर होगा उधर के जो हमारे जो टीम मेम्बर आपसे कांटेक्ट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर पसंद आपको आ रही हो तो वीडियो पर लाइक करना मत भूलिएगा। और हम लोग जो इन्फॉर्मेशन देते हैं अलग टाइप का, ये इन्फॉर्मेशन आपको इससे पहले यूट्यूब वीडियो पर आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए भी आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। और हमारे कई भाई इंस्टाग्राम पर फॉलो करना भूल जाते हैं, तो इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलें, क्योंकि इंस्टाग्राम पर आप फॉलो करिए तो वहाँ पर हमारी जो टीम है या फिर मैं खुद बहुत ज़्यादा वहाँ पर अपडेट रहते हैं। तो वहाँ जाकर आप मुझे कुछ किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछेगा तो वहाँ आपको डायरेक्ट रिप्लाई मिलेगा। तो फ्रेंड, चलिए बिना देरी के अपने वीडियो को यहीं पे बंद करते हैं और अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सर। तो वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो 150 इस वीडियो पर हम लोग लाइक एम कर रहे हैं, तो 150 लाइक आप सभी के लिए कुछ भी नहीं है। और इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के अपने वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं।